देश के राजधानी दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय स्तर की कराटे प्रतियोगिता में जांजगीर जिले के खिलाड़ियों ने जिले का नाम पूरे देश में रोशन किया है। जिले के खिलाड़ियों ने 13 राज्यों से आए खिलाड़ियों को मात देकर यह उपलब्धि हासिल की है। जिले के कराटे खिलाड़ियों ने विभिन्न वर्गों में करीब 30 पदक जीते हैं। जिले का गौरव बढ़ाने के बाद सभी खिलाड़ी कलेक्टर के पास पहुंचे और उनका आशीर्वाद लिया। कलेक्टर ने सभी खिलाड़ियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की और भविष्य में हर तरह का सहयोग देने का आश्वासन भी दिया। गए थे दिल्ली कराटे एसोसिएशन ऑफ जंजीर चापा से, जिसमें हम लोगों का सिलेक्शन बांग्लादेश में हुआ है इंटरनेशनल के लिए। सर, गोल्ड मेडल हम लोग छत्तीसगढ़ में लाया है, उससे कई ज़्यादा हम इंटरनेशनल लेवल में भारत के लिए ला सकते हैं। बस हमारी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, इस कारण हम लोग थोड़ा सा चूक जाते हैं। नोएडा दिल्ली जो 7 रॉयल चार्जर्स कंपटीशन कराटे कंपटीशन हुआ था, जिसमें मैं यूपी को हरा कर प्रथम स्थान किया और जिसमें गोल्ड मेडल मेरे को प्राप्त हुआ। और मैं अपने सर को बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। इंटरनेशनल नेशनल खेलने गई रही दिल्ली, जिसमें मुझे ब्रॉन्ज मेडल लगा है। मैं शादी से पहले कराटे पे जुड़ी थी, पर शादी के बाद 8 साल बाद मैं इसमें ज्वाइन हुई हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और आगे भी ऐसे करते जाऊंगी। 20 तारीख को यहाँ से दिल्ली गए थे, यहाँ के 22 बच्चे यहाँ से गए थे हमारे यहाँ से जांजगीर चांपा जिले से, जिसमें इन्होंने सर्वाधिक गोल्ड मेडल लगाया पूरे भारत में। 4 गोल्ड मेडल हैं, उसमें 2 लड़कियाँ गोल्ड मेडल हैं और 2 बॉयज़ गोल्ड मेडल हैं, और उसमें कुछ ब्रॉन्ज मेडल हैं, कुछ सिल्वर मेडल हैं। और जिनका गोल्ड लगा है और जो बच्चे का प्रतिभा बहुत अच्छा है, उनका सलेक्शन अभी इंटरनेशनल नोएडा के लिए हुआ है। ये कार्यक्रम 26 तारीख को नोएडा के इंडोर स्टेडियम में आयोजित हुआ था, जिसमें सभी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें 13 स्टेट को हराते हुए इन्होंने छत्तीसगढ़ के लिए विनर कप जीता है। पूरे भारत में छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है।